और अब फटाफट एक नजर आज की कुछ और बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को गुजरात के जामनगर में अजीवांध पर स्थित सोनी प्रोजेक्ट के पहले फेज का उद्घाटन किया और इसके बाद जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि जब वे दिल्ली पहुंचे तो गुजरात में मिली सीख ने उनकी बहुत मदद की। प्रधानमंत्री ने कहा, जब मैंने लोगों को बताया कि पानी सबसे महत्वपूर्ण है तो लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, लेकिन मैं अपनी बात पर कायम रहा। मैंने गुजरात में सीएम पद की शपथ लेते ही किसानों से कहा था कि आपके लिए पानी सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में पाटीदारों ने अपने ही अंदाज में उनका विरोध किया। पहले तो पाटीदार प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान ही निकल गए और उसके बाद एक युवा वहां खड़ा हो गया और उसने जय सरदार जय पाटीदार के नारे लगाए। हालांकि इसके बाद तुरंत ही पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। कश्मीर में तनाव और पत्थरबाजी पर एक बार फिर जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने एक सभा में कहा कि बच्चों की जगह स्कूलों और कॉलेजों में होनी चाहिए, उनका उपयोग पत्थर फेंकने में नहीं करना चाहिए। इन बच्चों का संबंध कॉलेज, आईआईटी और विश्वविद्यालयों से होना चाहिए, सड़कों से नहीं। उन्होंने कहा कि बच्चों को स्कूलों और कॉलेजों में होना चाहिए, उन्हें अपना करियर बनाना चाहिए, ना कि पत्थर फेंकना चाहिए। महबूबा ने कहा कि कश्मीर की संस्कृति रही है कि यदि नोटबुक हमारे पैर से लग जाए तो हम उस नोटबुक को माथे पर लगाते हैं। सभा में सूबे की मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार विकास के लिए फंड उपलब्ध करा रही है, इसके लिए हमें अपने क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है ताकि इस फंड का उपयोग ज्यादा से ज्यादा जन कल्याण के लिए हो सके। एक चीनी सरकारी दैनिक ने भारत द्वारा पाक अधिकृत कश्मीर में बसे आतंकवाद के शिकारों को मुआवजा देने की पेशकश को लेकर तिलमिलाई भाषा में मंगलवार को कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सब्रुक हो चुके हैं और उन्होंने दुश्मनी के संभावित रुख और लहजे को अपना लिया है। बलूचिस्तान को लेकर प्रधानमंत्री की टिप्पणी का पहली बार जिक्र करते हुए चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की वेबसाइट ने कहा है कि नरेंद्र मोदी बलूचिस्तान और पीओके का मामला इसलिए उठा रहे हैं ताकि कश्मीर के तनावपूर्ण माहौल की तरफ से लोगों का ध्यान हटाया जा सके। पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकवाद के शिकार लोगों को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने को उकसाने वाली कार्रवाई बताते हुए आलेख में कहा गया है कि ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि पाकिस्तानी सीमा में बसे कश्मीरी भी इस मुआवजे का दावा कर सकते हैं। अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर ट्रेड यूनियन 2 सितंबर यानी शुक्रवार को होने वाली हड़ताल पर अड़े हुए हैं। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार शाम को एक आपात बैठक बुलाई। सूत्रों के अनुसार इस आपात बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली, ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल और श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय शामिल हुए। ट्रेड यूनियनों ने सरकार को चेताया है कि 2 सितंबर को बैंक, सरकारी ऑफिस और कारखानों में हड़ताल रहेगी। गौरतलब है कि ट्रेड यूनियनों की 12 सूत्रीय मांगों में न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए करना शामिल है। वे फार्मा और रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश की शर्तों में लचीलापन लाने के फैसले का भी विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि इसे राष्ट्रीय हितों से समझौता हो सकता है। रेलवे 1 सितंबर से IRCTC की वेबसाइट पर अपना टिकट बुक कराने वाले रेल यात्रियों को 1 रुपए से भी कम के प्रीमियम यानी 92 पैसे पर 10 लाख रुपए का यात्रा बीमा देने जा रही है। IRCTC अपनी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ई टिकट बुक कराने वाले भारतीय रेलवे के सभी यात्रियों के लिए नई सुविधा शुरू कर रही है। ये सुविधा उपनगरीय ट्रेनों को छोड़कर बाकी सभी ट्रेनों में सभी वर्ग के टिकट पर लागू होगी और इसे अभी परीक्षण के आधार पर शुरू किया जाएगा। रेल मंत्री सुरेश प्रभु के मुताबिक यात्री सुविधाओं की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम होगा। रेल मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक 31 अगस्त को रेल टिकट पर 10 लाख रुपए की बीमा योजना को विधिवत लॉन्च किया जाएगा। पहलवान योगेश्वर दत्त रियो ओलंपिक से भले ही खाली हाथ लौट आए हो, लेकिन अब उनको एक सांत्वना पुरस्कार मिलने जा रहा है। दरअसल 2012 लंदन ओलंपिक के दौरान जो उन्होंने कांस्य पदक जीता था, वह अब अपग्रेड होकर सिल्वर हो गया है। इसकी औपचारिक घोषणा कर दी गई है। वास्तव में ये उनके लिए भी सुखद आश्चर्य से कम नहीं है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जिस रूसी पहलवान ने उस दौरान सिल्वर मेडल हासिल किया था, उसका डोप टेस्ट पॉजिटिव निकला है, यानी वह डोपिंग की परीक्षा में फेल हो गया। उल्लेखनीय है कि लंदन ओलंपिक में 60 किलोग्राम फ्री स्टाइल स्पर्धा में रूस की बेसिक कुदुकोव ने सिल्वर मेडल जीता था और योगेश्वर को कांस्य मिला था, लेकिन अब बेसिक का डोप टेस्ट पॉजिटिव पाए जाने के कारण वे तमगा कांस्य पदक विजेता रहे योगेश्वर को दिया गया।
कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के आक्रामक तेवरों के बाद अब भारत ने भी उसे इंटरनेशनल लेवल पर घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। सूत्रों के मुताबिक इस साल अक्टूबर में गोवा में होने वाले ब्रिक्स समिट के रीजनल आउटरीच प्रोग्राम में पाकिस्तान को नहीं बुलाया जाएगा। बलूचिस्तान पर पीएम नरेंद्र मोदी के बयान और पीओके सिंध में आजादी की मांग के बाद पाक के लिए ये बड़ा झटका साबित होने वाला है। बता दें कि भारत पूरी तैयारी में है कि वो आतंकवाद का मुद्दा अगले हफ्ते होने वाली G20 समिट में मजबूती से उठाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान को वेनेजुएला में होने वाली नाम समिट और UNGA की बैठक में भी आतंकवाद पर घेरने की पूरी कोशिश की जाएगी। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर बादल ने आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। डिप्टी सीएम ने रजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया कि पंजाब में अशांति के लिए आम आदमी पार्टी को विदेशों के कट्टरपंथियों से पैसे मिल रहे हैं। उन्होंने गृहमंत्री से आपकी फंडिंग की जांच की मांग की है। सुखबीर ने राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर मांग की है कि आपको उत्तर अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में रह रहे चरमपंथी तत्वों से काफी मात्रा में धन मिल रहा है, इसलिए इसकी जांच की जानी चाहिए। सुखबीर बादल पंजाब में गृह मंत्रालय का कार्य भी संभाल रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि आपको मिल रहे पैसे की जांच से पता चल जाएगा कि आप धर्म ग्रंथों की बेअदबी और हिंसा के माध्यम से पंजाब में अशांति फैलाना चाहती है। दिल्ली में एक बार फिर उपराज्यपाल नजीब जंग और केजरीवाल सरकार के बीच तलवारें खिंच गई हैं। उपराज्यपाल ने स्वास्थ्य सचिव तरुण सिंह और PWD सचिव सर्वज्ञ श्रीवास्तव का तबादला कर दिया है, जबकि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दोनों अधिकारियों को न हटाने के लिए उपराज्यपाल से मुलाकात भी की थी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दोनों अफसरों के बाद ट्वीट किया कि मनीष एलजी के पैरों में पड़े कि मोहल्ला क्लिनिक और स्कूल बनाने वाले सेक्रेटरीज को 31 मार्च तक ना हटाए, पर वो नहीं माने। केजरीवाल ने पहले भी कहा था कि दोनों अफसरों को ना हटाया जाए क्योंकि से मोहल्ला क्लिनिक और श्रीवास्तव फ्लाईओवरों के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक 31 अगस्त को 50 लाख के करीब केंद्र कर्मचारियों के खाते में बढ़ा हुआ वेतन और 7 महीने का बकाया आएगा। सरकार ये भी कोशिश में है कि 50 लाख के करीब पेंशनर्स को भी नई व्यवस्था के हिसाब से बढ़ा हुआ पेंशन और बकाया 1 सितंबर तक मिल जाए। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी से लागू मानी गई है। हर 10 साल बाद लागू होने वाली नई वेतन व्यवस्था में केंद्रीय कर्मियों के मूल वेतनमान में बढ़ोतरी 14.2% से 23.4% के बीच है। हालांकि अभी तमाम भत्ते पुरानी व्यवस्था के हिसाब से ही मिल रहेंगे क्योंकि इनमें फेरबदल पर सुझाव देने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है, जिनकी सिफारिशें आने के बाद ही इस बारे में कोई फैसला होगा। रियो ओलंपिक खेलों में सिल्वर मेडल जीतने वाली शटलर पीवी सिंधु के लिए एक और खुशखबरी है। सोमवार को देश के सबसे बड़े खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न जीतने के बाद देश के सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल CRPF सिंधु को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने और उन्हें कमांडर की मानद रैंक देने का फैसला किया है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि CRPF ने इस संबंध में गृह मंत्रालय को इस संबंध में एक आधिकारिक प्रस्ताव भी भेज दिया है और जरूरी मंजूरी मिलने के बाद सिंधु को एक समारोह में इस रैंक से सम्मानित किया जाएगा और उन्हें ये बैच सौंपा जाएगा जहां उन्हें CRPF की वर्दी भी दी जाएगी। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए मेट्रो TV से। नमस्कार।